कक्षा के हिंदी क्लास में स्वागत है। बच्चों, अब हमने पिछले ही क्लास में हमने क्या सीखा था? व्याकरण के बारे में ही कुछ जानकारी हासिल की थी, है कि नहीं? तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में हमने पिछली तासिका को सीखा था। तो आपने, मुझे विश्वास है कि आपने क्या किया होगा, इसके चार्ट तैयार किए होंगे, है कि नहीं? इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की होगी। बच्चों, हम भाषा का ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्याकरण के बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। व्याकरण अगर हमें भाषा अच्छी तरह से अवगत करनी है, सीखनी है, तो व्याकरण को हमें अच्छी तरीके से सीखना है। जिसका व्याकरण अच्छा, उसकी भाषा अच्छी। तो हम हर एक तासिका को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के व्याकरण के जो भाग है, यह भी हम ले रहे हैं। हमने गद्य पाठ देखे, पद्य पाठ देखे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार उस गद्य पाठ पद्य पाठ के नीचे कुछ व्याकरण भी दिया हुआ है। हमने शब्द युग्म भी देखे हैं, हमने और क्या क्या देखा है, कई विरुद्धार्थी शब्द देखे हैं, कई समानार्थी शब्द देखे हैं, है कि नहीं? प्रत्यय उपसर्ग तो पिछली तासिका को ही देखा है। तो उसी प्रकार आज हम भाषा का व्याकरण थोड़ा सा जान लेंगे, है कि नहीं? आज के इस घटक का नाम है लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। तो अगर नर होगा तो यहां नर और मादा जो है, नर होगा तो पुल्लिंग होगा, अगर मादा होगी तो स्त्रीलिंग। यानी हिंदी भाषा में यह जो दो लिंग के दो प्रकार है, लिंग के दो प्रकार है, तो इसमें पहला प्रकार कौन सा है? पुल्लिंग। लिंग किसे कहा जाता है? मैंने कहा है पुरुष या यहां पुरुष या स्त्री जाति का, पुरुष क्या कहा मैंने, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द। कहते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, है कि नहीं? तो हिंदी भाषा में कितने लिंग के कितने प्रकार है? हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार, यही प्रकार हमें आज सीखने हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है? तो पहला जो प्रकार है वह है पुल्लिंग। हिंदी भाषा में जो लिंग के दो प्रकार है, इसमें पहला प्रकार है पुल्लिंग और दूसरा प्रकार जो है वह है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पुल्लिंग जो शब्द है, इससे नर जाति का बोध होता है, है कि नहीं? और स्त्रीलिंग जो है, मादा जाति का बोध होता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। हमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लिंग परिवर्तन करो, इस प्रकार भी प्रश्न आता है, या लिंग पहचानो, इस प्रकार भी प्रश्न आता है। अगर हमें स्त्रीलिंग किसे कहते हैं या पुल्लिंग किसे कहते हैं अगर मालूम होगा, तो हमें अवश्य अंक मिलने वाले हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि यह कौन से शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग शब्द जो है, इसमें नर जाति का बोध होता है। जैसे
तो यहाँ हम बताएंगे गमला इसके साथ साथ व्यक्ति, इसके साथ साथ पौधा, लड़का, इसके जैसे और कई सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि हम कहेंगे घी, तेल, पानी, इसके साथ साथ और सेब होता है, बादल है कि नहीं। तो बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, मैं आपको और भी शब्द बताने वाली हूँ। जैसे कि अमरूद होता है, गिलास होता है, और जैसे कि चावल, सपना, जो बहुत सारे शब्द इसमें पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको कई शब्द बता दिए है कि नहीं। और दूसरा जो प्रकार है, यहाँ स्त्रीलिंग, इससे मादा जाति का बोध होता है। तो इसके जो शब्द है, जैसे कि और शब्द जो है, पुस्तक, आवाज, लड़की, और मोरनी, बहू, या इसके जैसे, जैसे कि बुढ़िया, और थाली, सब्जी, संतान, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो है जिससे मादा जाति का बोध होता है। या कई कई ऐसे शब्द होते हैं कि उनके लिए स्त्रीलिंग ही उसका लिंग कहलाता है। तो हमें हमारे इस पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 12 जो है तुम्हारा, आपके इस किताब में एक पाठ है चौथा, जो कि जिसका नाम है देहात और शहर। इस पाठ के नीचे आपको भाषा की ओर, इसमें व्याकरण का जो प्रश्न होता है या जो प्रश्न दिया जाता है, एक प्रश्न पूछा है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हमें यहाँ पुल्लिंग किसे कहा जाता है, स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, पुल्लिंग शब्द कौन से, स्त्रीलिंग शब्द कौन से, हमें अगर यह मालूम हो जाए तो हमें घर पे रहकर इसका सराव करना है, इसका चार्ट तैयार करना है, पुल्लिंग शब्दों का एक चार्ट तैयार करना है, स्त्रीलिंग शब्दों का एक चार्ट तैयार करना है कि नहीं। अगर हम भाषा के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूम करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से हिंदी सीखना चाहते हैं, तो आपको जो जो कहा है करने को, जो जो गृहपाठ करना है, वो घर पे बैठकर अच्छे तरीके से हमें अभ्यास करना है, सराव करना है, ताकि अब जब स्कूल में जाएंगे, अब जब पाठशाला में जाएंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी का खजाना लेकर, ज्ञान का खजाना लेकर आप तुम्हें जाना है। बच्चों, हम आप सभी के सभी इस कोरोना की स्थिति में घर पे हैं, घर पर रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम पढ़ रहे हैं ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो समय है, वह समय बर्बाद नहीं करना है, अच्छी तरीके से हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है और भाषा का ज्ञान बढ़ाना है। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है। पन्ना नंबर जो है 12, उसपे आपको एक प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। तो यहाँ पहला शब्द दिया हुआ है चाची। बच्चों बताओ, चाची यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? मुझे मालूम है आपको आता होगा, है कि नहीं। तो चाची यह शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमें लिंग परिवर्तन करना है, यानी हमें अगर स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग करना है। तो इसीलिए ये जो पहला शब्द है चाची, यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ, तो लिंग परिवर्तन करके यह हुआ चाचा। तो अब क्या करना है, चाचा इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ एक पहला वाक्य आपको यहाँ दिया हुआ है, करके दिखाया है कि चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार
जो बदला हुआ शब्द है यानी पुल्लिंग बदलकर जो लिखा हुआ शब्द है ना, इसी का वाक्य में प्रयोग करना है। कितनी अच्छी बात है और कितना जरा सा भी इसमें कठिनाई नहीं है। आपको यह जो अंक होता है, यह जो प्रश्न जो परीक्षा में आ जाता है, तो इसके अंक आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसे ही यानी कैसे, अगर आपको ये मालूम होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, अगर आपने अभ्यास किया होगा तो आपको जल्द से जल्द सारे अंक मिलने वाले हैं। दूसरा जो शब्द है यह है अध्यापिका। अध्यापिका शब्द उन्होंने दिया है, आपको बदलना है, लिंग बदल कर लिखना है, क्या होगा, अध्यापक। तो अध्यापक इस शब्द का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। सीधे साधे वाक्यों में, अपने वाक्य में, सीधे साधे वाक्य में यह शब्द का, इस शब्द का प्रयोग करके हमें लिखना है। जैसे कि हमारे हिंदी के, मराठी के, कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अध्यापक बहुत ही हसमुख है या बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, तीसरा प्रश्न, तीसरा जो शब्द है अभिनेता। अभिनेता शब्द दिया हुआ है, इसका लिंग परिवर्तन करके हुआ अभिनेत्री। तो अभिनेत्री यह जो शब्द है, यह तो आप अच्छी तरह से, अभिनेत्री यानी कौन आपको मालूम है, तो इस अभिनेत्री शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि आपकी जो अच्छी आपको लगती है, आपको जो पसंद अभिनेत्री है, इसका नाम लिखकर भी आप लिख सकती है कि मुझे डैश डैश अभिनेत्री बहुत अच्छी लगती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगला जो शब्द है वह है गुड़िया। गुड़िया लिंग परिवर्तन करके हुआ गुड्डा, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेरी छोटी बहन ने मेले में जाकर एक गुड्डा खरीदा, कितना सीधा साधा वाक्य है कि नहीं। तो इसी प्रकार अपनी भाषा में अपने मन से यह लिखना है ना। ऊंट दिया हुआ शब्द है, यह लिंग परिवर्तन करके हुआ ऊंटनी। तो ऊंटनी का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरी ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में मैं ही प्रथम रही, है कि नहीं। तो आगे का जो शब्द है दिया हुआ है ससुर, और लिंग परिवर्तन करके हुआ है सास। तो यह इस शब्द का हमें, सास इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे आप, जैसे कि ससुर लिंग परिवर्तन करके हुआ सास, और सास शब्द हमें इस वाक्य में लिखना है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़की का नाम, या हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है, सीता की सास उसे बहुत डांटती है, इसी प्रकार भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आपके जो भाषा है, आपका सीधा साधा वाक्य ही बहुत ही परिणामकारक होगा। जैसे कि अगला जो शब्द है हंसिनी। हंसिनी यह जो शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन करके लिखना है, तो क्या होगा, हंस। तो हमें कौन से शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, हंस। तो यहाँ हंस इस शब्द का वाक्य प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि हंस यह मानस सरोवर में रहते हैं, है कि नहीं। और अगला जो शब्द है यह है बालिका। बालक है, बालक। तो बालक का लिंग परिवर्तन करके बालक यह हुआ पुल्लिंग, और दूसरा जो लिंग परिवर्तन करके लिखना है बालिका लिखना है। तो बालिका का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, बालिका इस शब्द का, कि बालिका रोते रोते हंसने लगी, या बालिका रो रही थी, या बालिका गांव जा रही थी, या बालिका पाठशाला जा रही थी। इस प्रकार एक शब्द के अनेक वाक्य बन सकते हैं। यह कब होगा, अगर आपने चाहा मुझे भाषा का व्याकरण सीखना है, अच्छी तरह से हमें भाषा का व्याकरण जो है यह अवगत करना है, तो ही हमें मजा आएगा सीखने में भी, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो बच्चों यही बात हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके जैसे बहुत सारे शब्दों का हमें संग्रह करना है। तो मैंने इस चार्ट पर कई शब्द भी लिखे हैं, तो इनको भी हम देख सकते हैं, है कि नहीं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग यहाँ बताए गए हैं, वो लिंग शब्द में क्या लिखा है, गमला, है कि नहीं।
पुल्लिंग शब्द में क्या लिखा है, गमला, व्यक्ति, पौधा, है कि नहीं, कागज, सेब भी होगा पुल्लिंग शब्द, दरवाजा, पानी, बालक, चाचा, घोड़ा, पुत्र, ये सभी के सभी कौन से शब्द है, पुल्लिंग शब्द। और यहाँ आगे दिए हुए है स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें आवाज, है कि नहीं, पुस्तक, राम ने पुस्तक खरीदी, है कि नहीं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना भी जानते हैं। सब्जी, मैं बाजार में, बाजार से मैंने सब्जी लाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो स्त्रीलिंग शब्द का उपयोग हम वाक्य में अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेज, बाद में है वर्षा, मौत, पुत्री, इसके बाद है बालिका, और इसके बाद बहू, घोड़ी, मोरनी, इसके जैसे बहुत सारे शब्द आपको ढूंढने हैं, और उनका, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके भी लिखना है, किस प्रकार वाक्य में बदलाव आ जाता है। पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग शब्द जो है वाक्य में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो किस प्रकार करना है, या स्त्रीलिंग शब्द का उपयोग वाक्य में किस प्रकार करना है, यह हम जान जाते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान में रखना है कि हमें यह जो जो भाग हमें पढ़ाया है, सिखाया है, लिंग के बारे में जो भी जानकारी दी है, यह हमें ध्यान में रखनी है, और इसका सराव भी हमें करना है, और अच्छे तरीके से काव्य में इन शब्दों का संग्रह करके लिखना है। आया ना मजा बच्चों, कि भाषा के बारे में हम कितनी सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अच्छे से, अच्छे तरीके से अब घर पे रहकर इन शब्दों का संग्रह करो, चार्ट बनाओ, पुल्लिंग शब्दों का एक चार्ट बनाओ, स्त्रीलिंग शब्दों का एक चार्ट बनाओ, तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा समय बीत जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम एक एक तासिका को अलग अलग प्रकार के जो व्याकरण के भाग है, इन्हें हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।